हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ट्रिक्स अड्डा में। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। आज आपको हम बताने वाले हैं आईपीसी में धाराओं का मतलब, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक नागरिक को जानना चाहिए आईपीसी क्या होता है। आज आपको हम बताने वाले हैं आईपीसी में धाराओं का मतलब, जो सब नागरिक को जानना चाहिए। आईपीसी में धाराओं का मतलब जो सब नागरिक को जानना चाहिए। आईपीसी, पहले बताइए आप लोग आईपीसी का फुल नेम जानते हैं कि नहीं? इसका फुल फॉर्म, आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पैनल कोड। कहते नहीं है कि आपको आईपीसी एक्ट के अंतर्गत 302 धारा के अंतर्गत आपको सज़ा मिलती है, आप कौन सा जुर्म किए हैं, यही होता है। तो आपको हम विशेष तौर पे कुछ धाराएं हैं उनके उनके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं, थोड़ा आप लोग गौर कीजिएगा। नंबर एक, धारा 307 हत्या करने की कोशिश। धारा 302 हत्या का दंड। धारा 307 के अंतर्गत जो व्यक्ति किसी की हत्या करने की कोशिश करता है उसको धारा 307 के अंतर्गत सजा मिलती है। धारा 302 हत्या का दंड, जो भी आदमी किसी की हत्या करता है तो उसको धारा 302 के अंतर्गत सजा मिलती है। धारा 376 बलात्कार करना, जो भी व्यक्ति किसी कोई भी व्यक्ति हो गया किसी लड़की या किसी महिला का रेप या बलात्कार करता है उसको धारा 376 के अंतर्गत सजा मिलती है कोर्ट के माध्यम से। धारा 395 डकैती करना, जो भी आदमी किसी के घर में या किसी के दुकान में चोरी करता डकैती करता है उसको धारा 395 के अंतर्गत सजा मिलती है। धारा 377 अप्राकृतिक कृत। अप्राकृतिक कृत मतलब हमारे प्राकृतिक को नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति, उसको बोलते हैं अप्राकृतिक कृत, उसको धारा 377 के अंतर्गत सजा मिलती है कोर्ट के माध्यम से। धारा 396 डकैती के दौरान हत्या, कोई भी व्यक्ति किसी के घर या दुकान में चोरी करता है उसके दौरान किसी की हत्या कर देता है तो जो हत्या किया रहता है उस व्यक्ति को धारा 396 के अंतर्गत सजा मिलती है कोर्ट के माध्यम से। धारा 120 षड्यंत्र रचना, जो भी आदमी किसी को मारने, किसी के यहाँ चोरी करने, किसी का रेप करने के लिए साजिश रचता है, षड्यंत्र रचता है, उसको धारा 120 के अंतर्गत सजा मिलती है। धारा 365 अपहरण करना। धारा 201 सबूत मिटाना। धारा 34 समान आशय। धारा 412 छीना झपटी। धारा 378 चोरी। धारा 141 विध विरुद्ध जमाओ, बिना मतलब के कहीं इकट्ठा नहीं होना चाहिए। धारा 191 मिथ्या साक्ष्य देना। धारा 300 हत्या करना। धारा 309 आत्महत्या की कोशिश, जो भी महिला व्यक्ति बच्चा कोई भी हो, बच्चा मतलब बच्चा का तो कोई मतलब उम्र, इसमें एक चीज़ ये भी है, आप लोग नहीं जानते होंगे, इसमें एज बाउंडेशन है जुर्म का। जो आदमी जुर्म करता है तो अगर वो 18 साल का नहीं है तो उसको कोर्ट सज़ा नहीं देती है। इसमें सबसे बड़ी कमी ये है, क्योंकि बच्चा भी जुर्म कर सकता है। आप लोग देखेंगे बिहार का लड़का यूपी दिल्ली में एक लड़की का रेप कर दिया था तो उसको सज़ा नहीं हुई थी। तो ये भी एक समझ लीजिए बच्चों के लिए फ़ायदा है या नुकसान है, कुछ भी हो, लेकिन ये सही नहीं है। तो हम लोग कहाँ पे थे? धारा 309 आत्महत्या की कोशिश। धारा 310 ठगी करना, बेईमानी करना, किसी के साथ बेईमानी या ठगी करना, उसके ऊपर धारा 310 के अंतर्गत सजा मिलती है। धारा 312 गर्भपात करना। गर्भपात करना मतलब तो कोई लेडीज या महिला जो प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली, अगर अपने बच्चों को गिराना चाहती है तो ये भी एक जुर्म है, उसको धारा 312 के अंतर्गत सजा मिलती है कोर्ट के माध्यम से। धारा 351 हमला करना, किसी के कोई व्यक्ति किसी के ऊपर हमला करता है उसको 351 के अंतर्गत सजा मिलती है कोर्ट के माध्यम से। धारा 354 स्त्री लज्जाभंग, किसी स्त्री को आप गलत शब्द नहीं बोल सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया। धारा 362 अपहरण करना। धारा 415 छल करना। धारा 445 गृह भेदन हो गया। धारा 494 पति पत्नी की जीवन काल में पुनर्विवाह, मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पति पत्नी अगर अलग हैं तो अगर पुनः एक साथ रहना चाहते हैं तो धारा 494 के अंदर कोर्ट उनको एक साथ लाती है। तो आज का ज्ञान ये है कि अगर ज़िंदगी में कोई मुकाम हासिल करना है तो देर रात तक चैटिंग करने के बजाय अपने करियर की सेटिंग करने पर फोकस करें। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर आप लोग को वीडियो और अच्छा हो लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि जैसे जानकारी हमको ही हमारे दोस्तों को, तो आप शेयर कीजिए।
नमस्कार।